भोजपुरी में कई स्टार्स हैं, लेकिन पवन सिंह के बारे में लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं। पवन सिंह की लाइफ थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल ज़रूर है, लेकिन पवन सिंह की लार्जर देन लाइफ के बारे में हर कोई जानना चाहता है। पवन सिंह जिस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, राजा महाराजाओं की तरह जीते हैं, अपने शान और शौकत के लिए मशहूर हैं, क्या आप जानना चाहते हैं कि पवन सिंह के एक दिन के खर्चे कितने होंगे? शायद लोग उतना महीने में खर्च कर दे जितना पवन सिंह एक दिन में खर्च करते हैं। खैर, हम आपको उनके रईसी के कुछ किस्से बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे, बुलेट के शौकीन बुलेट राजा के पास बुलेट होने के बावजूद फिर से क्यों उन्होंने एक नई बुलेट ले ली। जिस तरह बच्चे चॉकलेट, गुब्बारों और खिलौनों को देखकर खुश होते हैं, पवन सिंह ठीक उसी तरह गाड़ियों को देखकर खुश होते हैं। जी हाँ, कोई भी गाड़ी जो पवन सिंह के मन को भा गई है तो उनके घर पर आपको वो दूसरे दिन खड़ी ज़रूर मिलेगी। जी हाँ, इसका हाल ही में नमूना आपने देखा होगा जहाँ पर ये बताया जा रहा है 3.5 लाख की बाइक पवन सिंह ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए खरीद ली क्योंकि वो बिहार में थे और वो अपने 4-व्हीलर से अप डाउन नहीं करना चाहते थे कि बाइक से वो कहीं अप एंड डाउन करें, लेकिन उनके पास तो ऑलरेडी बाइक्स थी। अब भाई बाइक्स पुरानी हो चुकी थी, इसलिए पवन ने सोचा क्यों नहीं एक नई बाइक ही खरीद ली जाए। ठीक है, तो अब बाइक से ही याद आया तो हम आपको बता दें कि पवन सिंह के पास BMW, मर्सिडीज और अब रेंज रोवर है। रेंज रोवर भोजपुरी के पूरे इंडस्ट्री में किसी के पास है तो वो पवन सिंह के पास है। जी हाँ, आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन पवन सिंह इकलौते ऐसे भोजपुरिया स्टार हैं जिनके पास इतनी महंगी करोड़ों की गाड़ी है। खैर, इसकी कीमत ही बताई जाती है कि शुरुआत ही इसकी 1.5 करोड़ से होती है और पवन सिंह ने जो रेंज रोवर ली है उसकी कीमत है 4.25 करोड़ रुपये। खैर, हम आपको ये भी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पवन सिंह के पास मर्सिडीज की 90 लाख की गाड़ी थी, लेकिन पवन सिंह ने जब रेंज रोवर देखी तो उनका दिल उस पर आ गया और उन्होंने अपने खेमे में इसे शामिल कर लिया। खैर, इससे भी ज़रा उठते हैं आगे और बात करते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर रहने की भी बात की जाए तो सबसे महंगे जगह पवन सिंह ही रहते हैं। पवन सिंह का मुंबई में तकरीबन 3 फ्लैट बताया जाता है और तीनों मुंबई के पॉश इलाके में हैं। 2 तो अंधेरी में ही हैं जो कि काफ़ी पॉश इलाका बताया जाता है अंधेरी का। यही आपको भोजपुरी, बॉलीवुड और TV जगत की कई मशहूर हस्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। अब जो पवन सिंह ने नया घर लिया है वो मलाड में लिया है, लेकिन वो घर भी बहुत ही एक्सपेंसिव है। उसकी कीमत 5 करोड़ बताई जाती है। जी हाँ, पवन सिंह का जो घर है वो बहुत ही पॉश इलाके में है और TV जगत के काफ़ी मशहूर हस्तियाँ आपको वहीं देखने को मिल जाएंगे और रवि किशन तो पवन सिंह के पड़ोसी बताए जाते हैं। खैर, हम आगे और बढ़ते हैं। अभी भी अगर आपका दिल नहीं भरा तो आपको ये बता दें, एक फिल्म करने की कीमत भी पवन सिंह भोजपुरी के सबसे महंगे स्टार बताए जाते हैं। पवन सिंह अगर एक फिल्म करते हैं तो 50 से 55 लाख वो लेते हैं प्लस प्रॉफिट। जी हाँ, फिल्म अगर हिट हो गई है तो उसका प्रॉफिट भी वो शेयर करते हैं। लेकिन पवन सिंह के दिल के बारे में बात करें तो आपको ये बता दें कि बॉस मूवी जो आ रही है महज 151 रुपये लेकर पवन सिंह ने साइन की है। आप ये कहेंगे पवन सिंह के पास इतनी दौलत है, पवन सिंह के पास इतना रुतबा है, तो भाई हम आपको बता दें, जो इंसान दिलों का राजा होता है उसके लिए ये कोई मामूली रकम नहीं, ये करोड़ों से भी बढ़कर है। जी हाँ, जहाँ पवन सिंह लोगों की मदद करने में बहुत आगे हैं, उन्होंने स्टूडियो बनाया है बिहार में ताकि भोजपुरी जगत के काफ़ी लोग आकर वहीं अपने उसी स्टूडियो में, उनके स्टूडियो में सॉन्ग रिकॉर्ड करें और उन्हें मुंबई तक जाने का
कष्ट न उठाना पड़े। थे आपको ये बता दें कि ऐसे दिलदार इंसान हैं पवन सिंह कि जब वो देखते हैं कि कोई मुसीबत में है, ठीक उसी तरह जिस तरह से बॉस फिल्म के मेकर्स मुसीबत में हैं, पवन सिंह की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तब पवन सिंह ने एक स्वीट जेस्चर को लेकर, अच्छी फिल्म है, अच्छा देखने को मिले भोजपुरिया दर्शकों को, तो पवन सिंह ने उस फिल्म को अपने जो भारी बजट है जिसे लेते हैं पवन सिंह भारी फीस लेते हैं, उसे उन्होंने कट कर दिया 151 रुपये में। वो फिल्म साइन की और ये फिल्म करने के लिए पवन सिंह ने कोई प्रॉफिट शेयर की बात भी नहीं की, क्योंकि ये फिल्म पवन सिंह को बहुत पसंद आई थी। इस फिल्म की शूटिंग मोस्ट ऑफ हो चुकी है, फिल्म की स्क्रिप्ट पवन सिंह को बहुत पसंद आई थी। साथ ही पवन सिंह के स्टूडियो, घर, इन सब की भी बात करेंगे तो पवन सिंह बहुत ही लार्जर देन लाइफ जीते हैं। सभी को पता है वो महाराजाओं की तरह लाइफ जीना पसंद करते हैं, इसलिए पवन सिंह के अगर एक दिन के खर्चे की भी आप बात करेंगे, साथ में कहा वीडियो के शुरुआत में कि जितना लोगों का महीने का खर्च होता होगा शायद पवन सिंह एक दिन का खर्च करते होंगे। तो यकीन है आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।